इन्फोसिस तो में आज आपको दो प्रतिशत के आसपास की तेजी देखने को मिली है तो काफी लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि गिरावट यहां पर खत्म हो चुकी है अभी हम यहां पर बाइंग कर लेते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों ये आपकी एक गलती हो सकती है जिसका आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है ठीक है ये जो स्विन ट्रेडर्स हैं पोजिशन ट्रेडर्स से मैं उनकी बात कर रहा हूँ ये जो इन्वेस्टमेंट वाले लॉन्ग टर्म पर्पस वाले उनकी बात नहीं कर रहा है जिनको अभी भी मतलब खरीद के आने वाले चार पांच साल के लिए छोड़ दें उनकी बात काफी अलग है अभी तो सर यहां पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ से जीस लेवल से स्टॉक में ब्रेक डाउन दिया था अभी उसका गैप फील होने जा रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पर अगर आप हमको तो बहुत ही बड़ा गैप बाकी है लेकिन ये गैप को फील करने से पहले स्टॉक को जो उसका एक अभी जो स्पोर्ट था जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है उसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलना पड़ेगा वो लेवल कौन सा है वो लेवल रफली यहाँ पर अगर मान के चलो तो सोलह के आसपास पास कराए ठीक है सोलह हज़ार एक सौ सत्तर के आसपास का है तो अगर ये लेवल निकलता है छः सौ सत्तर ऑन द अपर साइड तो ही हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर भी बाइंग करके चलेंगे अभी स्टॉक जो है वो वापस से एक बुलेट रजिस्ट्री में आ चुका है जब तक ये लेवल नहीं निकलते ऑक्साइड यहाँ पर बाइंग नहीं की जा सकती उसका रीज़न क्या है वो मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ कि इन्फोसिस किस तरह से यहाँ पर गिराए इन्फोसिस कुछ इस तरह से चल रहा था और वो ऐसे यहाँ से ऐसे गिर गया ठीक है मतलब ये जो स्पोर्ट था उसको मतलब उसके आसपास आए बदरी वो उस गैप डाउन ओपनिंग हो गई मतलब ठीक है नीचे अभी तो यहाँ पर होता क्या है कि कभी भी कोई भी मार्केट होता है वो ऐसे नहीं गिरता वो क्या करता है ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पर इंजेक्शन लेकर वापस से नीचे गिरेगा यहाँ पर थोड़ा सा कौन सी डेट करेगा वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा वापस से रिजेक्शन मिलेगा वो नीचे गिरेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर लो हाई लूजर लो जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है कुछ इस तरह का तो डायरेक्टली हम यहाँ पर मान के नहीं चल सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक अभी ऊपर ही जाएगा नोट no डाउन अच्छी कंपनी है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ऊपर की डिरशन है डाउन साइड में पंद्रह सौ तक भी आ सकता है चौदह सौ तक भी आ सकता है कहीं पर भी जा सकता है स्टॉक ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चल रही है और अगर मार्केट में सेल्फ आ गया तो फिर तो पंद्रह अरब ग्यारह करोड़ इकतालीस लाख तेरह हजार एक सौ तक भी ये इन्फोसिस जा सकता है तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है लेकिन वो सब गोल्डन चांस रहेंगे जहां पर हमें खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेवल मैंने आपको बता दिया तो लेवल्स को फॉलो करते हुए ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो दूसरे को फिर हम यही करते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर लें